मैं रक्षा दिवानी और आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। आखिर क्यों और किस वजह से दारुलफ्ला गार्डन के पीछे जो प्लास्टिक की दुकानें हैं वहां पर लगाई जा रही थी आग? जी हां दोस्तों, कल रात का फुटेज है, 8 तारीख का देर रात का फुटेज है। टाइम बिल्कुल जो देर रात का आधी रात का होता है उस वक्त का समय था। कैमरे के जो सीसीटीवी फुटेजेस होते हैं उसमें टाइम मैच नहीं हो पा रहा था, किसी वजह से गड़बड़ी थी जिसके चलते स्क्रीन पर आपको टाइम शाम के 9 बजे का बता रहा होगा। परंतु एक नौजवान युवक, पहले तो दो प्लास्टिक की दुकान है, मुमरा प्लास्टिक और उसके बाजू में एक और एक दुकान है जहाँ पर बर्थडे की स्टेशनरी वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, उसने बिल्कुल उसी दोनों दुकान के बीच में बाहर एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था, वहाँ पर उसने जो गन गैस लाइटर होता है जिसके अंदर ऑलरेडी गैस का एक बाटला होता है, बड़ा लाइटर होता है वो किसी भी चीज़ को पिघालने के लिए ख़ास तौर पर जो सोना और लोहे का काम करते हैं उनके पास अवेलेबल रहता है। उस नौजवान लड़के ने पहले तो उस लाइटर को ऑन करने की कोशिश की, लाइटर तो ऑन हो गया परंतु ऑन होते साथ ही किसी कारण से लाइटर के अंदर आग पकड़ ली। गनीमत रही उस नौजवान लड़के ने उस लाइटर को फेंक दिया और उस लाइटर में धमाका हुआ। धमाका कितना भयंकर था इस फुटेज में आप देख सकते हैं। आखिर क्या वजह थी? स्थानीय लोगों अनुसार बताया जा रहा है कि ये दुकान को लेकर के किसी की दुश्मनी का मामला था जिसके चलते ये हरकत की गई थी ताकि दोनों दुकान वालों को नुकसान हो और सबक मिले। अब तक ये पुष्टि हो नहीं पाई है कि वो नौजवान युवक कौन था। हमारे मुमरा कौसा की आवाम से विनंती है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो इसके पीछे कारण था और जिसका भी मकसद था वो सामने आए। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।